नमस्ते, आज मैं आपके सामने एक स्पेशल रेसिपी लेकर आई हूँ। ये थोड़ी पारंपरिक रेसिपी है। आमतौर पे तो मैं गाने डालती हूँ, फोक सॉन्ग्स डालती हूँ, लेकिन आज एक्चुअली मम्मी आई थी, इन्होंने गमले में थोड़े अरबी बोई हुई थी तो उसमें थोड़े से पत्ते निकल आए थे, तो मम्मी ने कहा चलो आज हम पत्ते के पकौड़े बनाते हैं, तो मैंने सोचा चलिए ये वीडियो डाल देते हैं। तो अगर आपको ये रेसिपी पसंद आती है तो आप मेरे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल स्माइल विद पूनम को सब्सक्राइब कीजिए। आइए, ये बहुत आसान रेसिपी है, पारंपरिक है और आपको बहुत पसंद आएगी, आप ज़रूर ट्राई करिए। तो ये अरबी के पत्ते हैं, गमले में ही उगे थे लेकिन इतने बड़े बड़े हैं अभी। हम इसकी डंडियाँ जो हैं वो तोड़ दी हैं और इसको ऐसे धो के इसको रख लिया है। ये पत्ते धुले हुए हैं और इसका पानी भी झड़ गया है, तो मैं इन पत्तों को सबसे पहले काट लेती हूँ। इनको बारीक बारीक काटेंगे। आज एक्चुअली यहाँ पर बरसात का सीजन है और बरसात हो रही है, बाहर बहुत हरियाली है और ये अरबी के पत्ते के पकौड़े भी थोड़ा गर्मी के बाद जो बरसात का थोड़ा सीज़न होता है तो इनका भी सीज़न होता है, तो बहुत अच्छे इवन गमले में उग जाते हैं। हम यहाँ पर तो शहरों में लोगों के पास खेत नहीं होते हैं तो हमने ये शौक जो है गमलों में ही पूरा कर लिया। देखिए इतने सारे पत्ते गमलों से इतने से निकल आए हैं, तो इतने में हमारा काम चल जाएगा। हम अभी चाय के साथ ये स्नैक्स बना लेते हैं। तो इसके लिए मैंने उड़द की दाल भी बोली थी। उड़द की दाल को मैं मिक्सी में पीसने जा रही हूँ। ये उड़द की दाल भीग गई है, मैंने सुबह भी धो दी थी इसके लिए। और इसको हम इसमें हम ये अदरक और थोड़ा सा लहसुन ये साथ में और हरी मिर्च थोड़ा सा ये हम साथ में ही पीस लेंगे। थोड़ा सा मैं इसमें पानी डाल देती हूँ क्योंकि बिल्कुल सूखी पीसने में थोड़ी दिक्कत हो जाती है। मैं पीस देती हूँ इसको। ये पीस गई है, ये मैं इसमें निकाल देती हूँ। ये देखिए उड़द की दाल इसमें पीस गई है। थोड़ी सी और हम लेंगे क्योंकि ये हमें थोड़ी सी और चाहिए। एक बार और इसमें पीस देती हूँ। मेरी मिक्सी थोड़ी ये वाली छोटी है। और मैंने थोड़े चने भी भिगोए थे बाई चांस, तो मैं इसमें एक कड़छी ये चने भी डाल दे रही हूँ। इससे थोड़ा सा ना इसमें आधा चने की दाल भी डाल सकते हैं और चने भी डाल सकते हैं, तो इससे थोड़ा ना क्रिस्प हो जाता है। ये इतना पिच्छी बहुत है। इसमें हम इस पत्ते को डाल देंगे जो हमने धोकर पहले ही धोकर काटे हुए हैं। और अब इसमें हमने दो तीन चीज़ें बस मिलानी है, कोई ज़्यादा मसालों की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा मैं इसमें हींग डाल देती हूँ और नमक, नमक अपने टेस्ट के हिसाब से डालेंगे। नमक अपने स्वाद के अनुसार डाल सकते हैं, जिसको जैसा पसंद हो। और इसमें थोड़ा सा हम एक चम्मच के करीब ज़ीरा डालेंगे। बस इसको हमने इसको मिक्स कर देना है। इस समय भी हमें एक्चुअली भगवान का नाम ले लेना चाहिए ना। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायण जानकी वल्लभम, कहते हैं इससे भोजन बहुत अच्छा बनता है। भगवान का नाम लेते लेकर ही खाना ऐसे बनाना चाहिए, उससे अपना मन भी बहुत अच्छा रहता है। ये देखिए ये हमारा मिक्सचर बन गया। बस इसके बाद हमें इसको सिर्फ आप इसे डीप फ्राई भी कर सकते हैं पकौड़ों को। मैं इसको बहुत ज़्यादा तेल में नहीं डीप फ्राई करूँगी, इसको मैं शैलो फ्राई ही करूँगी। Thank you.
कोई भी ज्यादा मसाला नहीं डालने की जरूरत होती है, ये अपने आप में इतना टेस्टी बनता है। पत्ते के पकौड़े जिसको पकौड़ भी कुछ लोग कहते हैं, कुछ लोग अरबी के पत्ते के पकौड़े कहते हैं, और इसी को एक दो हमारे यहाँ एक और पारंपरिक तरीके से बनाया जाता है, उसमें हम अरबी के पत्ते को उसमें हम ये पीछी जो है फैला के लपेट के बनाते हैं, लपेट के रोल करते हैं, वो भी बनता है। तेल गर्म होने रख दिया है मैंने, ये मैं सरसों के तेल में बनाऊंगी। सरसों के तेल में इसका जो पकौड़े हैं वो बहुत ज़्यादा टेस्टी बनते हैं, और अभी मैं बना के खिलाती हूँ आपको। तेल गर्म होने वाला है, बहुत ज्यादा तेल में पकौड़े डालने की मतलब बहुत ज्यादा तेल की जरूरत नहीं होती है। फिर मैं इसको थोड़ा सा हो गए हैं, अरे दूसरी तरफ भी हो जाने वाले हैं, थोड़ा सा ये बस और क्रिस्प हो जाए, और बहुत ज्यादा तेल नहीं है इसमें, अगर आप देखेंगे इसमें बहुत ज्यादा तेल नहीं है इसमें, इसकी खास बात है मैंने इसको कम तेल में ही तला है। ये देखिए बस ये ऐसे हल्के ऐसे तेल में ऐसे इसको अच्छे से क्रिस्प करना है, होता है मैं आपको दिखाती हूँ एक बार पूरा, मैं प्लेट में निकाल के दिखाऊंगी आपको। ये देखिए बस ये ऐसे हल्के ऐसे तेल में ऐसे इसको अच्छे से क्रिस्प करना है। अभी होता है मैं आपको दिखाती हूँ एक बार पूरा, मैं प्लेट में निकाल के दिखाऊंगी आपको। इसको मैंने किचन टॉवल पे निकाल दिया है, और एक्स्ट्रा तेल जो है ये अब्सॉर्ब कर लेगा, और इसके बाद हम इसको मैं गैस बंद कर, ये मेरे पास एक्चुअली मैंने कल आम की चटनी पीसी थी, आम की चटनी, आम और पुदीना और हरी मिर्च, थोड़ा सा लहसुन और थोड़ा सा जीरा, ये मैंने डालकर ये चटनी पीसी है, और मैं इस चटनी के साथ ही इस पकौड़े को सर्व करूँगी। ये पकौड़े जो हैं इन इस आम की चटनी के साथ बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं, मैं आपको दिखाती हूँ, ये बहुत अच्छे लगते हैं। और देखो मम्मी आपकी मेहनत देखो, हमने सफल कर दी बिल्कुल बनाकर, मम्मी बहुत खुश हैं क्योंकि ये मेरे पापा को बहुत पसंद है, और हमारे घर में बच्चों को पसंद है, मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है, तो सब लोग बहुत शौक से खाएंगे। और ये देखिए आम की चटनी और ये पकौड़े, आपको अच्छा लगे तो आप ये, अगर आपको अच्छा लगता है मेरा चैनल, आपको ये रेसिपी अच्छी लगी तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस रेसिपी को शेयर कीजिए। ये बहुत पारंपरिक रेसिपी है, अरबी के पत्तों को पकौड़े से ये बनी हुई है, कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल रेसिपी है, आपको बहुत पसंद आएगी, ज़रूर बनाइए और मुझे कमेंट में बताइए आपको कैसा लगा। नमस्कार।